नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। 23 नवंबर को दिल्ली एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ। इस मामले को चीन और हांगकांग के एक स्थान से अंजाम दिया जाने का संदेह है। दरअसल दिल्ली के एम्स के सर्वर पर हुए साइबर हमले के तार चीन और हांगकांग से जुड़े होने के संदेह। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि इस हमले के संबंध में और अधिक विवरण मांगे गए हैं, जो चीन और हांगकांग की कंपनियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने संबंध में सीबीआई को लिखा है, जो इंटरपोल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेगा। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि अभी तक सर्वर हमले को चीन और हांगकांग के एक स्थान से अंजाम दिए जाने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार एम्स दिल्ली को कथित तौर पर 23 नवंबर को एक साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिससे उसके सर्वर ठप हो गए। गौरतलब है कि 25 नवंबर को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी IFSO इकाई द्वारा इस सिलसिले में जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के एम्स में इस्तेमाल होने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का ई हॉस्पिटल सर्वर 23 नवंबर को सुबह 7 बजे से बंद हो गया था, जिसके चलते कई कार्य भी प्रभावित हुए। दिन भर सर्वर डाउन होने पर दिल्ली एम्स ने अपने बयान में कहा था कि ये साइबर अटैक हो सकता है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही CDSL पर मेलवेयर अटैक हुआ था, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये हमला हांगकांग या चीन से हुआ है। फिलहाल अस्पताल सेवाएं मैनुअल मोड पर चल रही हैं। एम्स की ओर से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को सर्वर हैक होने का पता लगने के संबंध में शिकायत दे दी गई है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एम्स पर सर्वर संचालित होता है। फिलहाल सर्वर पर अटैक होना चिंता का विषय है, जिसकी जाँच पड़ताल की जा रही है।